हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंडर रोप्स। मैं गौसी अरशद। आज हम लोग नीडल थ्रेडर के बारे में बात करेंगे। नीडल थ्रेडर जिससे सुई में धागा डालते हैं, अक्सर लोगों की आई साइड वीक होती है तो सुई में इस तरीके से धागा डालने में प्रॉब्लम होती है। कभी तो डल जाता है, कभी नहीं डलता, मशीन में भी और हाथ की सुई में भी। तो इसको मैं सबसे ज़्यादा, ये नीडल थ्रेडर है या ये, इसको आप इसमें इस तरीके से फंसा दिए। ये आसानी से सुई में धागा डल गया। इसके बारीक सी ये पाइप है, ये दब के डल जाता है, फिर ये खुल जाता है और धागा निकल जाता है। तो चलिए इसे मशीन में भी कैसे डालेंगे वो दिखाती हूँ। अब ये मशीन में भी लग जाती है, मशीन की सुई में भी इसे लगा के इसे पूरा। ये तो मेरी स्मार्ट मशीन है, ये लोहे की मशीन में भी लग जाती है। सब मशीन में कैसी भी सुई है, इसमें यह नीडल थ्रेडर लग जाता है। इसमें ऐसे करके धागा डाला, ये धागा ऐसे खिंच गया, ये धागा इसमें सुई में डल गया। कितनी आसानी से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है धागा डालने में। तो ये है नीडल थ्रेडर। ये मार्केट में आपको आसानी से नीडल थ्रेडर के नाम से अवेलेबल है, आपको आसानी से मिल जाएगी। और इसको इसमें रखते हैं इस तरीके से। ये तो सबको पता ही है, इसमें घुमा के कोई भी सुई निकाल के इसमें डाल सकते हैं। इस सुई से भी, इस सुई में भी डलता है और किसी भी तरह की सुई में डल जाता है। नीडल थ्रेडर के बाद मैं आपको ये फिंगर कैप के बारे में बताऊंगी। यह फिंगर कैप है, इसे हेमिंग करने में, तुरपाई जिसे कहते हैं, या हाथ सुई से कोई भी स्टिचिंग करने में उंगली से पुश करना पड़ता है, जिसमें उंगली में दर्द हो जाता है या चुभ जाती है। तो ये फिंगर कैप है और ये खुली हुई फिंगर कैप है। किसी की उंगली मोटी है या किसी वजह से नहीं जा रही है तो इसे आप इसे फैला के इसे ऐसे करके फंसा के इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते। तो चलिए इसे दिखाते हैं इसे कैसे यूज़ करना है। इसे इसमें इस तरीके से लगा दी। अब मैं इसमें धागा डालूँगी इस, ये इसमें लगा लिया, नीचे सुई नहीं चुभेगी। यह उंगली को प्रोटेक्ट करता है, सुई से चुभने से यह बचाता है। दूसरा, जब हम लोग हेमिंग करते हैं इस तरीके से, ये तो यहाँ पे उंगली से कपड़े को पुश करना पड़ता है, तो यहाँ पे ये फिंगर कैप पहना और ये उंगली में नहीं जाएगा, ये इस पर टच करेगी सुई। आप सुई से कोई भी सिलाई करें इस पर आप कर सकते हैं। अब अगर आपको इस पर सुई को यहाँ पर डाल के, आपको ये मोटा कपड़ा है, हार्ड है, तो आप इसमें इसको पहन के सुई को इस तरीके से पुश करेंगे तो ये निकल जाएगी। और अगर इससे भी ज़्यादा हार्ड है या कहीं पे आपको डालना है कपड़े को, किसी मोटे कपड़े में नहीं जा रही है, इसकी मदद से आप डाल सकते हैं। इसे फिंगर कैप कहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।